जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने बुधवार को घांघू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली जैतून बानो कुरैशी को ममता अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान जैतून को सम्मान पत्र एवं 11,000 रुपए प्रदान किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने टॉपर बालिका को सम्मानित करने की पहल के लिए घांघू के परमेश्वर लाल दर्जी की पहल को सराहनीय बताया और कहा कि इससे न केवल बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि दूसरी बालिकाओं को भी अच्छी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भामाशाहों द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस तरह की पहल की जा सकती है। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज जमाना शिक्षा का है और बालिकाएं प्रत्येक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। बालिका शिक्षा को लेकर समाज की सोच निरंतर बदल रही है और यह बहुत बेहतर संकेत है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सम्मानित बालिका जैतून से बातचीत की और अवार्ड के लिए बधाई देते हुए उससे पाए और आगे के लक्ष्य के बारे में चर्चा की। जो घांघू स्कूल की टॉपर है उनको प्रदान किया गया है। आशा करता हूं कि इस तरह से अन्य स्कूलों में भी जिले में जहां जहां पर भी महिला छात्राओं के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है उन्हें और संबल प्राप्त होगा और वो नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित होंगी। जैतून ने बताया कि इस अवार्ड से उसका हौसला बहुत बड़ा है और वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। जैतून ने बताया कि उसके दादा यूनुस अली कुरैशी और सफी मोहम्मद कुरैशी की प्रेरणा मूल रूप से इस सफलता के पीछे है। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ जैतून कुरैशी फ्रॉम घांघू। मैंने 12th क्लास में यानी बोर्ड क्लास में पूरे स्कूल में अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं, इसलिए मेरे को ये ममता अवार्ड दिया जा रहा है हमारे गाँव के सरपंच के द्वारा। मैं आज इसी मुकाम पे मेरे दादू यानी सफी मोहम्मद गांधी शारीरिक शिक्षक डाडर स्कूल में पीटीआई हैं, उनकी वजह से आज मैं इसी मुकाम तक पहुंची हूँ। मतलब उनसे मुझे पढ़ाई करने का इतना अच्छा मोटिवेशन मिला कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला मेरे को कि बस पढ़ते जाओ। और फिर उसके बाद मेरे अंकल मेरे अब्बा उन सब ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ाई करो। तो आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे मेरे को मोटिवेट करते रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने कोई गोल बना लिया है तो सिर्फ उसी पे फोकस करो, ना कि इधर उधर की बातों पर। जब आपके घर वाले आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि उसको पूरा करें, उनके सपने को पूरा करें। आप सबके लिए मेरे पास बस यही बात है कि अच्छे से पढ़ो, उनका नाम रोशन करो और अपने घर वालों के लिए हमेशा आगे रहो। शहीद राजेश फगेड़िया राव मावी के प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने विद्यालय की टॉपर बालिका को प्रतिवर्ष दिए जा रहे इस अवार्ड के बारे में बताया और कहा कि इससे विद्यालय की बालिकाओं में उत्साह का माहौल है। ये जो बच्ची का जो ममता अवार्ड दिया जा रहा है, ये हमारे 2 साल से परमेश्वर लाल दर्जी जो सरपंच पति है तो उनके द्वारा घोषणा की थी। तो ममता अवार्ड के रूप में 11,000 रुपये नगद पुरस्कार जो भी विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टॉप बच्ची या बच्चा था उनको दिया जाता है। 2 साल से परंपरा ये दूसरी बार दिया जा रहा है और आगे ये परंपरा सतत रहेगी। इनकी तरफ से ऐसी घोषणा, और ये बच्ची वास्तव में इंटेलिजेंट थी। ये तो इसके 94 आए थे पिछले सेकेंडरी की वजह से, अगर ये एग्जाम देती तो 98 से नीचे नहीं रहती बच्ची, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची। पुरस्कार प्रदाता परमेश्वर लाल दर्जी ने बताया कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए उनका यह छोटा सा प्रयास है। यदि किसी बालिका को इससे प्रोत्साहन मिलता है और वह आगे बढ़ती है तो यही उनके पुरस्कार की सार्थकता होगी। इस दौरान वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक सफी मोहम्मद गांधी, जैतून के पिता अब्दुल मजीद कुरैशी, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर नेहरा, संजय दर्जी, मोहम्मद रहीश, शीशराम श्योरान, मुकेश कुमार शर्मा, अरमान कुरैशी आदि मौजूद थे।